नमस्कार उदयपुर, आप देख रहे हैं उदयपुर टुडे का विशेष बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को 71वें स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। शहर हुआ राष्ट्रमय, शहर ने अपना 71वां स्वाधीनता दिवस पूर्ण उल्लास के साथ मनाया। देशभक्ति का सैलाब सा उमड़ पड़ा, गली मोहल्ला पूर्ण रूप से देशभक्ति के रंग में रंगारंग नजर आया। प्रत्येक शहरवासी के चेहरे से राष्ट्र के प्रति अपार आस्था झलक रही थी। शहरवासियों ने स्वर प्रेरणा से अपने घरों पर तिरंगा लहराया। सभी विद्यालयों एवं कॉलेज में देशभक्ति का रंग दिखा। लोगों ने अपने शहीदों एवं राष्ट्रपुरुषों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इसी दिन शहर भाजपा ने भी अपने कार्यालय पर तिरंगा लहराया। पटेल सर्कल स्थित कार्यालय पर हुए समारोह में प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने झंडारोहण कर कार्यकर्ताओं को राष्ट्र संकल्प दिलाया। इस अवसर पर सांसद अर्जुन लाल मीणा, ग्रामीण विधायक फूलचंद मीणा, शहर अध्यक्ष दिनेश भट्ट सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अर्जुन पैसा जी, आपको बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करना चाहते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वे जनप्रतिनिधि के नाते एक बार सभी को शुभकामनाएं अर्पित करें। आदरणीय गुलाबी भाई साहब, राजस्थान के यशस्व गृहमंत्री जी, हमारे सबके मार्गदर्शक। स्वाधीनता दिवस की 71वीं जनगांठ है एक तरह से, इसको दिलाने वाले उन सब महापुरुषों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी, और जो जीवित हैं उनके लिए स्वस्थ रहें, लंबी उम्र कमें, ये प्रभु से प्रार्थना है। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से देश के गांव, गरीब, किसान, बेरोजगार, इन सबको आगे बढ़ाने के लिए जिन योजनाओं को लेकर आए हैं, उन सब योजनाओं को भी हम लोग आगे बढ़ाएं। एक सौभाग्य से हमको इतना पैसा दिया इन 2 सालों में उदयपुर ज़िले को, हमने आग्रह किया था प्रधानमंत्री जी को, आओ और उसकी शुरुआत करो। तो मैं सोचता हूँ 6000 करोड़ रुपया हमको रोड नेटवर्क के लिए मिला, उसका शुभारंभ होगा। 2300 करोड़ रुपया हमको रेलवे की दृष्टि से मिला, उसका शुभारंभ होगा। 500 करोड़ का IAM हमारे तैयार होकर के है, उससे कम है। कुछ और नेटवर्क है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने की जो उन्होंने घोषणा की, उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का स्वरूप देने में भी वो हमारी मदद करें। उदयपुर को एक टूरिस्ट की दृष्टि से बहुत बड़ा स्थान मिला हुआ है, इसमें वो हमारी मदद करें ताकि हमारा ये टूरिस्ट सेंटर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट सेंटर बनाया जा सकता है, अगर केंद्र भी हमें मदद करे। कुछ योजनाएँ हमारी अभी भी केंद्र में है, उदय सागर की योजना हमारे पास केंद्र में गई हुई है। हमारे जो है
गोवर्धन सागर की योजना केंद्र में गई हुई है। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन एक्विजिशन का काम उनके पास गया हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ न कुछ जो उन्होंने किया उसका हम आभार व्यक्त करेंगे और मैं सोचता हूँ वो भी हमें कुछ न कुछ लाभान्वित करेंगे, इसलिए इस कार्यक्रम को 29 तारीख को हम तैयारी शुरू करें। देखो, देश ने तरक्की की है, इसमें कोई दो राय नहीं। देश की जो 71 साल पहले जो स्थिति थी और आज है उसमें बहुत बदलाव है, तरक्की की और हम आगे बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर इतने सालों में इससे चौगुनी तरक्की की जा सकती थी अगर प्रशासनिक ईमानदारी से काम करने की आदत डला देते और राजनेताओं का भी जो चरित्र पर जो दाग लगते हैं वो अगर नहीं लगते और सब लोग समर्पित भाव से काम करते, पद से ज़्यादा देश को अगर मान देने की कोशिश करते तो देश जहाँ आज है उससे चार गुना आगे बढ़ता। अब कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस बारे में जद्दोजहद से लगा है, हम सब लोग भी उनके साथ सहयोगी बन के काम करेंगे तो बहुत आसानी से 10 साल में हम दुनिया का सिरमौर देश भारत को बना सकने की क्षमता में हैं और सफलता मिलेगी।